और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। अभी कल तक बीजेपी आला कमान छाती ठोक कर कह रहा था कि हमें तो लोकल लीडर्स पर भरोसा ही नहीं है, मोदी जी का ही चेहरा चुनावों में कमाल दिखा पाता है। लेकिन अब जब चुनावी सर्वे निकलकर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दी, तो पता चला कि मोदी जी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पा रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। फिर क्या था, पीएम मोदी को एक बार फिर से आगे किया गया और पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है, वो जिंदगी भर बीजेपी में काम करता है और कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। एक तरफ मोदी जी ने मंच से खड़े होकर ये बयान दिया, वहीं दूसरे ही पल सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। जी हाँ, कैसी खबर निकल कर सामने आई है आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिया गया बयान सुनिए। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा कि मोदी जी मंच से खड़े होकर क्या कह रहे हैं, फिर इसके बाद इस खबर के पीछे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है, उस पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत शक्ति है वो उसका कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव सेशन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और पंचायत का एक प्रोग्राम है, पंचायत राज का, उसको संबोधित कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है वो इतना लॉयल होता है कि कभी वो एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि वो जिंदगी भर बीजेपी में ही रहता है। एक तरफ पीएम मोदी का बयान है, पीएम मोदी का बयान है तो खबरें भी बन गई हैं। क्या खबर बनी है, खबर आप देखिए न्यूज 18 हिंदी की। देखिए इसमें लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता है, जिंदगी भर वह वर्कर ही रहता है। तो ये खबर 18 अगस्त को निकल कर सामने आई है, कभी कार्यकर्ता एक्स नहीं होता है, मोदी जी का कहना है। तो क्या वो जिंदगी भर बीजेपी का कार्यकर्ता रहकर अब कांग्रेस में काम करेगा, सवाल किया जा रहा है। पब्लिक जबरदस्त मजे ले रही है, और ये मजे क्यों लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए राज एक्सप्रेस की। देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी नेता समंदर पटेल कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो ये भी 18 अगस्त की खबर है, मोदी जी का बयान भी 18 अगस्त का है, आप देख सकते हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं जाता, वहीं आप देखिए तस्वीरों में जो नेता शामिल हो रहा है उसके पीछे जो खड़े हुए हैं वो बीजेपी के ही एक्स कार्यकर्ता हो चुके हैं, अब कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए हैं। खबर में आपको दिखा चुकी हूं कि कैसे गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में ये पूरा का पूरा ये जो हुजूम है जाकर बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जुड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए कि ये खबरें और भी ज्यादा तब वायरल हो गई हैं जब मोदी जी ने मंच से खड़े होकर कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा बीजेपी का ही रहता है। तो आखिर मोदी जी की बातों पर इन कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भरोसा क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा भास्कर की। देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी इस बार कर रही एक नया प्रयोग, राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं। तो बीजेपी आलाकमान एक तरफ कहता है कि हमें लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है, जब आपको लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है तो आप कार्यकर्ता पर क्या ही भरोसा करेंगे। ये खबर 3 महीने पहले निकल कर सामने आई थी, राजस्थान की खबर है। कहा गया कि बीजेपी एक नया प्रयोग करने वाली, अब इस प्रयोग के तहत मोदी जी जिले जिले जाएंगे राजस्थान में और वोट मांगेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, इसी साल दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब जब राजस्थान में आप कार्यकर्ताओं या फिर की लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश में कुर्सियां खाली हो जाएंगी। क्या कुछ हुआ, आप तस्वीरें फुल स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जब मध्य प्रदेश में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि मोदी जी आए रैली करने के लिए और कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। हालत तो ये हो गई कि कार्यकर्ताओं तक की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लिए
चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आई। अब ऐसे में मोदी जी भले ही ऊपर ऊपर से कह दें कि कार्यकर्ता हमेशा बीजेपी का ही रहता है, बीजेपी से ही जुड़ता है, बीजेपी में ही जीवन भर रहता है, लेकिन असल तस्वीर क्या बयां कर रही है आप देख सकते हैं। पहले तो मैंने आपको राजस्थान की खबर दिखाई, कहा जा रहा है कि लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है, मोदी जी जिले जिले जाएंगे। अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की भी मैं आपको एक खबर दिखा देती हूँ। मध्य प्रदेश की खबर देखिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आज ही की खबर है ये, इसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान की खबर में कि मोदी की आधा दर्जन रैलियां शाह पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड, शिवराज के लिए सजीव फील्डिंग। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बचाने के लिए फील्डिंग सेट की जा रही है, मध्य प्रदेश में अपनी नाक बचाने के लिए फील्डिंग सेट की जा रही है, और इस फील्डिंग को सेट करने के लिए मोदी जी को एक बार फिर से काम पर लगा दिया गया। बेचारे आधा दर्जन रैलियां करेंगे, 11 महीने में पहले ही 7 रैलियां कर चुके हैं, अब आधा दर्जन रैलियां करेंगे। और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन अब आप देखिए कि उनका एक ही काम बचा है कि चुनावों पर फोकस करें, अब रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। क्या प्लान तैयार किया गया है मध्य प्रदेश को लेकर, वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए खबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री मोदी की राज्य में 5 से 6 रैलियां आयोजित करना चाहती है। तो हर बार ये लोग यही करते हैं, इन लोगों के पास चाहे फिर ब्लॉक प्रमुख तक का चुनाव हो, मोदी जी का चेहरा लगा दिया जाता है। इनके पास क्या कोई नेता ही नहीं बचा है कि जिसको प्रोजेक्ट करके ये लोग चुनाव जीत जाएं? 2014 जीत गए, 2019 जीत गए, लेकिन 2023 आते आते अब हालत खराब है। 2024 में ये मोदी जी का चेहरा कमाल दिखा पाएगा या फिर कि नहीं दिखा पाएगा, इस पर भी सवाल है। ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि आप कर्नाटक में जानते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को भी दरकिनार कर दिया गया और मोदी जी ने भरपूर रोड शो किए, इतने रोड शो किए, दिन रात एक कर दिया, कर्नाटक में डेरा डालकर बैठ गए, लेकिन फिर भी बीजेपी का सफाया हो गया। दक्षिण भारत का इकलौता राज्य बीजेपी हार गई, और अब मध्य प्रदेश में नाक बचाने के लिए मोदी जी को काम पर लगाया गया है। मोदी जी आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं, और उसके आगे क्या प्लान किया गया है वो भी सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के नेताओं ने मोदी से 2 महीने में क्षेत्रवार रैलियों को संबोधित करने का अनुरोध किया है। अभी कौन से नेता हैं, कर भी रहे हैं अनुरोध कि नहीं कर रहे हैं, तो इनकी इंटरनल बात है, लेकिन ऊपरी क्या खबरें हैं वो मैंने आपको दिखाई। आगे इसमें लिखा है कि मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राज्य नेतृत्व ने ये मामला उठाया। इसके बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया कि वो आने वाले हफ्ते में इस संबंध में निर्णय लेगा। तो एक बार फिर से अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी जी डेरा डालने वाले हैं। अब ये डेरा डालना कितना काम आएगा ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी की, अब पब्लिक तो छोड़ ही दीजिए, उन्हीं के कार्यकर्ता बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से कथित तौर पर फजीहत हो रही है कि मोदी जी मंच से खड़े होकर बयान देते हैं और अगले ही पल सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं। फिलहाल इस खबर पर, मोदी जी के बयान पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।